सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, इट्स उरूज। और आप लोग इस वक्त जैसा कि देख सकते हो, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नैनीताल के क्लिफ्स वाले एरिया में। हम लोग ऐसे ब्लॉग शूट करने के लिए आए थे, तो आप थोड़ा सा दिखा दीजिए साइड पे करके। तो इस वक्त क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, तो हम लोग बेसिकली एक वीडियो शूट करने के लिए आए थे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पर देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे ना कई सारे न्यूज़ पेपर्स में, न्यूज़ आर्टिकल्स में ये दिखा रहे हैं कि नैनीताल में जो टिफिन टॉप में जो डॉर्थी सीट है, जहाँ पे लोग मतलब जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक पड़ गया, उसका अस्तित्व खतरे में है। अब ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी तरफ से तो बता नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें दिखा रहे हैं, मतलब न्यूज़ चैनल्स और आर्टिकल्स में दिखा रहे हैं। मैं ना एक दो की लिंक नीचे डाल दूंगा, मैं फोटो भी साइड में लगा दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाए कि हाँ भाई सही में ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि लास्ट दो ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो इस बार मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया हूँ कि क्या रियलिटी है क्या नहीं। एंड आज के इस वीडियो में मेरे साथ हितेश भाई, जो कैमरा पकड़े हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। एंड अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे से अपना एक ये वाला व्लॉग शूट करके यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे टिफिन टॉप। और इस वक्त ना हमारे पास थोड़ा सा दिखा दीजिए, हमारे पास इस वक्त ड्रोन भी है, तो हम लोग ना अच्छे से आप लोग को शॉट्स लेके दिखा सकते हैं कि इस मतलब सही में है कैसा है कैसा नहीं है। और जो टिफिन टॉप है ना, वहाँ पर जाने के लिए आप लोग मतलब हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं और ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग पूरा इसके ऊपर रहेगा कि क्या रियलिटी है क्या नहीं, जो भी होगा आज की वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना थोड़ा पसीना आ गया, तो थोड़ा हालत भी ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ सही सही चीज़ इग्नोर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं उस तरफ और मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो इस वक्त हो रहा है बारिश का मौसम और हम लोग जा रहे हैं दौड़ती सीट पर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने के लिए। और मौसम हम लोग देख सकते हो एकदम पूरा बंद हो चुका है, कभी भी कुछ भी बारिश पड़ सकती है। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। एंड जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, वो लोग ज़रूर से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पे ना मैं आपकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें डालता हूँ और वीडियोस बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो वीडियो बनाने के लिए आए थे, अभी हम लोग टिफिन टॉप पर पहुँच कर बैठ चुके हैं वाली शॉप पर, इतने पास है वो वहाँ पर हम लोगों को वीडियो बनाने थे ना वहाँ पर, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पा रहे, बारिश पड़ने में लगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है ना किस्मत साथ ही देगी। क्या आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, स्टे ट्यून्ड। सो जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, हम लोग टिफिन टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ दौड़ती सीट जाने के लिए, तो अभी हम लोग इसी के ऊपर चलते हैं और हर चीज़ आप लोग को अच्छे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो बेसिकली ना हम लोग आप लोग को ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे, जो हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे बारिश पड़ने से पहले, क्योंकि हमें लग रहा था बारिश पड़ेगी और बहुत देर तक बारिश पड़ती रही। तो अभी हम लोग बस दौड़ती सीट पर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत मुश्किल से बारिश रुकी है और आप लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ें। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर दौड़ती सीट पर पहुँचते हैं ना, तो स्टार्टिंग पर ही यहाँ पर ऐसे बहुत भयंकर से क्रैक दिख जाती है। वो जो अंकल वहाँ पर हम लोग जहाँ पर रुक के कुछ खा रहे थे ना, वो भी बोलते कि 100% गिरना ही गिरना है। तो आप एक बार दिखा दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर बड़ा भयंकर तरीके से क्रैक पड़ चुकी है। एंड ऐसा कुछ है, अभी अंकल ने बोला था कि वहाँ पर से जाके भी हम लोग दिखाएंगे, वो साइड से एक रास्ता था। एंड ड्रोन शॉट्स भी हैं, ड्रोन शॉट्स सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, ड्रोन शॉट्स मैं डालता हूँ, आप लोग उसको पहले देखिए, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हो, यहाँ पर दौड़ती सीट से हम लोग ड्रोन शॉट्स लिए थे। तो जो आप लोग इसमें राइट साइड पर देख रहे हैं ना, ये जो क्रैक पड़ रखे है, ये पूरी नीचे तक का है। यहाँ पे जो मैं एरो भी कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो आप लोग क्रैक देख रहे हैं ना, ये एक तो ड्रोन शॉट्स में ना मौसम की वजह से उतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, बट ये जो है ना, ये पूरा नीचे तक, और इसके नीचे से जो पत्थर टूट कर गिरे हैं ना, वो भी मैंने वीडियो में आप लोग को आगे दिखाए हैं, तो आप लोग को आगे देखने के लिए हर चीज़ मिल जाएगी। तो अभी ड्रोन वापस से नीचे उतार लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर एक तो क्लियर भी दिख रहा है ना मौसम की वजह से, और बारिश पड़ सकती है तो ड्रोन ख़राब हो सकता है। जैसा कि इस समय आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो क्रैक है ना, ये मैंने आप लोग को जैसे ड्रोन शॉट्स में भी दिखाने की कोशिश करी होगी, तो ये मतलब कुछ
मतलब एक तरह से टिफिन टॉप की जो मेन ब्यूटी है ना वो इसी से है। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि रियलिटी में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ज़रूर से कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसा मैं कि वो सारी आर्टिकल्स में दिखा रहे थे ना वो एकदम ठीक दिखाते हैं, ये जो है ना ये असलियत में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मैं बोलूँगा जो भी यहाँ पे जो एसोसिएशन वाले हैं जो भी हैं उनसे बोलूँगा प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए, क्योंकि मेन जो है ना टिफिन टॉप के लिए लोग इसी जगह पर के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है, इस वक्त तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरे चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बारिश पड़ रही थी ना इस वक्त जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाने की कोशिश कर दी। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पर से पतली से एक ट्रेल जा रही है नीचे को जो अंकल ने वहाँ पर से दिखाया था वहाँ के पास से, तो हम लोग वहाँ पर जाके आप लोग अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त मैं अगर आप लोगों को पास से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रही दौड़ती सीढ़ी जैसा कि मैं बता रहा था। एंड यहाँ पर ये जो क्रैक है ना ये पूरा बड़ा भयंकर हो रखा है, और यहाँ पर से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए ये पूरा वहाँ तक का क्रैक्स ऐसे पड़ रखे हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने आप लोग दिखाने की कोशिश करी ऐसा कुछ है, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। वो जो ट्रेल की अंकल बात कर रहे थे ना, वो जो नीचे शॉप है उस साइड में, तो वहाँ पर चल के आप लोग को हर चीज़ अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शॉप वाले अंकल है ना ये जो ब्लू जैकेट में, तो इन्होंने हमें हर चीज़ बताने की कोशिश करी, तो इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। जाते हैं अभी बंद है, तो अभी यहाँ पर से जा रहे हैं। एक मिनट आए बस। तो यहाँ पर से आप लोग देख पा रहे होंगे पतली सी ट्रेल है। अंकल को बहुत सारा थैंक यू देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे ना हर किसी को आने जाने देते नहीं हैं। तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए आगे जाके थोड़ा कैसा है कैसा नहीं है। देख रहे हो ग्राउंड रिपोर्ट्स देना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि इस समय आप लोग देख पा रहे होंगे ना ये जो जितने भी दौड़ती सीट से बड़े बड़े पत्थर है सारे नीचे गिरे हुए हैं। तो देख सकते हो कितनी खतरनाक स्थिति हो रखी है यहाँ पे, सारे पत्थर बड़े वाले। तो ये दिखाने के लिए मैं आप लोगों को नीचे तक आ गया था, तो अभी वापस चलते हैं। एंड ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत गजब के एक्सपीरियंसेस होते हैं यार ये लाइफ में। अभी चलते हैं वापस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब आप लोगों को थोड़ा कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी यहाँ के बारे में कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी है, कैसे क्या है वहाँ की क्या नहीं है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़।